प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। वीडियो के इस भाग में आज हम लोग सर्वनाम शब्द रूप के बारे में जानेंगे। यह चतुर्थ अध्याय है। चतुर्थ अध्याय में शब्द रूप प्रकरण में हम लोगों ने पिछले वीडियो में संज्ञा शब्द रूप के विभिन्न यानी अकारांत, आकारांत, ईकारांत, दीर्घिकारांत, ह्रस्वकारांत, दीर्घकारांत, ऋकारांत के तीनों लिंगों के शब्दों को जाना। यह सर्वनाम शब्द रूप है। इसमें सर्वनाम शब्द रूप में तत्, एतत्, किम आदि शब्द रूप है जो इस प्रकार से हैं। जैसा कि जानते हैं कि कारक के की जो 8 विभक्तियां हैं उसमें से 7 विभक्तियों का प्रयोग ही सर्वनाम शब्द रूप में किया जाता है, क्योंकि सर्वनाम शब्द रूप में हे वह नहीं कहते हैं, इसलिए इसमें 7 विभक्तियाँ ही लिखी जाती हैं। तो जो सहतोते हम लोगों ने पहले से पढ़ा है, जो सर्वनाम के बारे में हम लोग जानते हैं, वह सहतोते यहाँ पर शब्द रूप के रूप में आया है। वह जैसे प्रथमा विभक्ति में है सहतोते, यानी जब कर्ता कारक होगा प्रथमा विभक्ति में तो कर्ता कारक में सहतोते का प्रयोग किया जाता है, और जब यही शब्द कर्म कारक में प्रयोग में आता है तो उसके स्थान पर होता है तम तो तान। तृतीय विभक्ति में यानी माध्यम के द्वारा होता है तो तेन ताभ्याम तय होता है, और चतुर्थी विभक्ति में होता है तो यह बनता है तस्मय ताभ्याम तेभ्य। पंचमी विभक्ति में तस्मात ताभ्याम तेभ्य। इसके बाद षष्ठी विभक्ति में तस्य तयोः तेषाम। तस्य मतलब उसका होता है, यानी संबंध को बतलाता है। और सप्तमी विभक्ति में होता है तस्मिन् तयोः तेषु। तो यह है तत्पुल्लिंग का रूप। सहतौते तम तो तान तेन ताभ्याम तय तस्मय ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयोः तेषाम तस्मिन् तयोः तेषु। इसके बाद है तत् स्त्रीलिंग, यानी जो सातेताह का रूप हम लोगों ने सर्वनाम में पढ़ा है वह यहाँ पर जब पद में प्रयोग में आता है वह कर्ता पद कहलाता है, और जो पहला रूप है वह यहाँ पर वही शब्द यहाँ पर लिखा जाता है, यानी सातेताह कर्ता कारक के रूप में यह प्रथमा विभक्ति में प्रयोग में आता है, इसलिए बगल में प्रथमा विभक्ति लिखा गया है। सातेताह द्वितीय विभक्ति में ताम तेताह, तृतीय विभक्ति में तया ताभ्याम ताभिः, चतुर्थी विभक्ति में तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, पंचमी विभक्ति में तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, षष्ठी विभक्ति में तस्याः तयोः तासाम, सप्तमी विभक्ति में तस्याम तयोः तासु। तो यह है तत् स्त्रीलिंग के शब्द रूप जो इस प्रकार से है। सातेताः ताम तेताः जब कर्म कारक में होता है तो ताम तेताः, जब करण कारक में होगा तो तया ताभ्याम ताभे, जब चतुर्थी विभक्ति में यानी संप्रदान कारक में होगा तो तस्यै ताभ्याम ताभ्य, इसके बाद पंचमी विभक्ति में होगा तो तस्याः ताभ्याम ताभ्य, और जब षष्ठी विभक्ति में होगा यानी जब संबंध कारक में होगा तो तस्याः तयोः तासाम। इसमें गौर करने वाली बात है, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति का एक वचन दोनों मिलता है, इसलिए षष्ठी में भी तस्याः है लेकिन दूसरा रूप बदल गया है तयोः और तासाम। फिर षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन रूप एक समान है, तयोः तयोः है, सप्तमी विभक्ति में है तस्याम तयोः तासु। इसके बाद जैसा कि जानते हैं कि संज्ञा शब्द रूप में जिस प्रकार से तृतीया से सप्तमी तक एक समान होता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक समान होता है, यानी तृतीया से सप्तमी तक जो है तत् का रूप तत् नपुंसक लिंग का वह पुल्लिंग के अनुसार से चलेगा। जैसे यहाँ देखें जो निर्जीव वस्तुओं के लिए जब सर्वनाम का प्रयोग हम लोग करते हैं तो उसमें लिखते हैं तत्तेतानी, और द्वितीय विभक्ति में भी वही रूप होता है तत्तेतानी। इसके बाद हालांकि नीचे में कोटेशन लिखा हुआ है, पुल्लिंग के समान में समान चलता है और उसे हम लोग पुल्लिंग के समान मानते हैं। तो इसका अगला रूप यहाँ से हो जाएगा तेन ताभ्याम तय तस्मय ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य
तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु, इस प्रकार से इसका रूप चलेगा। अब यहाँ देखें, इसमें जो अगला रूप है वह है एतत्। एतत् मतलब यह होता है, जब निकट की चीज़ों के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो एतत् में भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग रूप होता है, क्योंकि तत् एतत् इन सभी का प्रयोग प्रथम पुरुष के लिए किया जाता है। जब प्रथम पुरुष के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो यह इस प्रकार से होता है। तो उसके लिए है एसह एतौ एते, एतम एतौ एतान, एतेन एताभ्याम एतय, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्य, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्य, एतस्य एतयोः एतेषाम, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। यहाँ पर स्व बदल जाता है और जो तत् का रूप है उसमें ध्यान रखेंगे, सभी में आगे ए लगा देंगे, बस तत् के रूप में ही परिवर्तन कर देने से वह हो जाता है। अगर आप तत् याद करते हो और अगर वह जो स्व लगा हुआ है उस स्व को बदल देंगे, यानी जो दंत स्व लगा रहता है उसके स्थान पर मूर्धन स्व कर देते हैं जैसे यहाँ किया गया है, तो यह एतत् का रूप हो जाता है। तो ऐसा एतौ एते कर्ता कारक में, एतम एतौ एतान यह कर्म कारक में, और एतेन एताभ्याम एतय यह करण कारक में है, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्य यह चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक में है, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्य यानी यह पंचमी विभक्ति अर्थात अपादान कारक में है, एतस्य एतयोः एतेषां यह संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में है, और एतस्मिन् एतयोः एतेषु यह अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में इसका प्रयोग किया गया है। अब इसका है स्त्रीलिंग रूप। स्त्रीलिंग रूप में हम लोग जो पढ़ते हैं वह है इस प्रकार से, जैसा उसमें था वैसे ही है, सा के स्थान पर यह सा है, मूर्धन स्व का सा है, और बाकी सभी में देखें आगे सिर्फ ए लगा है और बाकी जो रूप है वह सब तत् जो है सातेता की तरह ही है। इसमें अगर आगे ए लगा देंगे तो यह इस रूप के समान हो जाएगा। ये सारे ट्रिक अगर ध्यान में रखते हैं तो आप आसानी से सही रूप में लिख पाओगे। तो ऐसा एते एता द्वितीय विभक्ति में आएगा, प्रथमा विभक्ति में था, ऐसा एते एता द्वितीय विभक्ति में आएगा, एताम एते एता तृतीय विभक्ति में आएगा, एतया एताभ्याम एताभि चतुर्थी विभक्ति में होगा, एतस्य एताभ्याम एताभ्य फिर पंचमी विभक्ति में होगा, एतस्याह एताभ्याम एताभ्य फिर षष्ठी विभक्ति में होगा, एतस्याह एतयोः एतासाम फिर सप्तमी विभक्ति में होगा, एतस्याम एतयोः एतासु। ध्यान देंगे इसमें जो तेषाम है और तेषु है इसमें भी मूर्धन, यहाँ मूर्धन स्व है, इसमें दंत स्व हो जाता है एतासाम और एतासु में। तो प्रथमा विभक्ति एसा एते एता, द्वितीय विभक्ति एताम एते एता, तृतीय विभक्ति एतया एताभ्याम एताभि, चतुर्थी विभक्ति एतस्य एताभ्याम एताभ्य, पंचमी विभक्ति एतस्याह एताभ्याम एताभ्य, सप्तमी विभक्ति एतस्याह एतयोः एतासाम और सप्तमी विभक्ति एतस्याम एतयोः एतासु। इसके बाद है एतत् नपुंसकलिंग। एतत् नपुंसकलिंग में जैसे तत् नपुंसकलिंग में था वैसे ही है, एतत् एते एतानि आगे ए लगा हुआ है, तो और द्वितीय विभक्ति में भी वही लगता है एतत् एते एतानि। इसके बाद का रूप जो है वह पुल्लिंग के अनुसार से है, यानी यहाँ से उसे लिख लेंगे। अगर लिखने का रहे एतत् नपुंसक लिंग का रूप, तो अगर पुल्लिंग का रूप याद किए हैं तो तृतीया से सप्तमी तक वह यहाँ पर इस प्रकार से होगा। ऐसे तृतीया में एतेन एताभ्याम एतय, चतुर्थी में एतस्मै एताभ्याम एतेभ्य, पंचमी में एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्य, षष्ठी में एतस्य एतयोः एतेषां, सप्तमी में एतस्मिन् एतयोः एतेषु। यह रूप भी पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद है किम, यानी जब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं या प्रश्न बनाना होता है तो उसमें इन शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो पहला रूप जो है किम का वह पुल्लिंग के लिए है,
किम पुल्लिंग, किम स्त्रीलिंग और किम नपुंसकलिंग। तो किम पुल्लिंग में जैसे वहाँ सहतौते था उसी अनुसार से स के स्थान पर स्व स्व और त के स्थान पर यहाँ पर क है। इसमें ध्यान देंगे है कह प्रथमा विभक्ति में कह कौ के, द्वितीय विभक्ति में कम को कान, तृतीय विभक्ति में केन काभ्याम कह, चतुर्थी विभक्ति में कस्मय काभ्याम केभ्य, पंचमी विभक्ति में कस्मात काभ्याम केभ्य, षष्ठी विभक्ति में कस्य कयोह केसाम और सप्तमी विभक्ति में कस्मिन कयोह केसु। इसका अर्थ इस प्रकार से होगा कह का मतलब होता है कौन, कौ का मतलब कौन दोनों और के का मतलब कौन सा। कम कहेंगे तो किसको कहेंगे, किसको किन दोनों को किन सबको। केन अगर कहते हैं केन वाला रूप में तीनों रूप का अर्थ इस प्रकार से होगा किससे किन दोनों से किन सब से। कस्मे कहते हैं किसके लिए किन दोनों के लिए किन सब के लिए। कस्मात कहते हैं कस्मात मतलब भी किससे होता है अलग, अगर हो रहा है तो किससे, वह किससे अलग होता है कहते हैं किन दोनों से अलग होता है और किन किन लोगों से अलग होता है। इसमें होता है कस्मात काभ्याम केभ्य। और अगर कहेंगे कस्य, कस्य का मतलब होता है किसका, किसका कयोह मतलब किन दोनों का और केसा मतलब किन लोगों का। और कस्मिन कहते हैं किसमें, कयोह किन लोग हाँ किन दोनों में और केसु किन लोगों में। इसी प्रकार से इसका जो रूप है स्त्रीलिंग का वह इस प्रकार से है, अर्थ वही रहेगा सिर्फ शब्द यहाँ बदल जाता है। हिंदी का समान होता है जैसे कौन यहाँ भी कहते हैं और उसी अनुसार से यह रूप चलता है, लेकिन रूप में भिन्नता है। जैसे प्रथमा विभक्ति में स्त्रीलिंग है का के काह, द्वितीय विभक्ति काम के काह, तृतीय विभक्ति कया काभ्याम काभ्य, चतुर्थी विभक्ति कस्य काभ्याम काभ्य, पंचमी विभक्ति कस्याह काभ्याम काभ्य, षष्ठी विभक्ति कस्याह कयोह कासाम, सप्तमी विभक्ति कस्याम कयोह कासु। इस प्रकार से इस रूप को हम लोग लिखते हैं। इसके बाद है किम का नपुंसक लिंग, जैसा कि ऊपर में देखा हम लोगों ने उसी प्रकार से यहाँ पर चूंकि लिख दिया गया है और वह रूप में समानता है। देखेंगे केन का अभ्याम कह भी वैसे ही है, कस्मिन का अभ्याम केसु, उसी अनुसार से यहाँ से यहाँ तक सारा रूप वही यहाँ रिपीट किया गया है। तो किम में होता है किम के कानी, द्वितीय विभक्ति में भी किम के कानी होता है और उसके बाद जो तृतीय विभक्ति में होता है वह पुल्लिंग का रूप ही आ जाता है केन का अभ्याम कह, चतुर्थी विभक्ति में कस्मय काभ्याम केभ्य, पंचमी विभक्ति में कस्मात काभ्याम केभ्य, षष्ठी विभक्ति कस्य कयोह केसाम और सप्तमी विभक्ति कस्मिन कयोह केसु। तो तृतीय विभक्ति के बाद जो नियम है सर्वनाम में वह पुल्लिंग के अनुसार से ही नपुंसकलिंग का रूप चलता है। इसके पश्चात है यह सभी जो थे तत एतत और किम, यह सभी उनके बारे में है जिनके बारे में हम बात करते हैं अर्थात प्रथम पुरुष के लिए। प्रथम पुरुष के लिए जब विभिन्न शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं तो इन शब्द रूपों में से निकालते हैं, लेकिन जब हम लोग स्वयं के बारे में कहते हैं या सुनने वाले के बारे में कहते हैं तो उसमें अलग शब्द रूप का प्रयोग होता है। और संस्कृत में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का मान यहाँ सुनने और बोलने वाले के लिए नहीं रखा जाता है, अर्थात कहने का अर्थ है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यहाँ पर दोनों समान होते हैं, यानी एक ही शब्द दोनों में प्रयोग में आता है, इसीलिए यहाँ पर दोनों लिंगों में समान होने के कारण इन शब्दों को उभयलिंगी शब्द कहते हैं। इसलिए अस्मद और युष्मद उभयलिंगी शब्द रूप है, यानी दोनों लिंगों में समान होता है और चूंकि हम जिससे बात करते हैं वह सजीव होता है इसलिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग ही रखते हैं और नपुंसक लिंग का रूप यहाँ पर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि बात जिससे करते हैं वह सजीव ही होता है इसलिए कहेंगे। अब यहाँ पर शब्द रूप देखें, अस्मत का रूप है अहम आवाम वयम, जैसा कि जानते हैं अगर कहेंगे अहम पठामी तो इसका मतलब होता है मैं पढ़ता हूँ और मैं पढ़ती हूँ दोनों होता है। तो वाक्य बनाने के लिए हम लोग यहाँ से शब्द निकालते हैं या 21 रूप है और इसी का प्रयोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में किया जाता है। जैसे अहम आवाम वयम प्रथमा विभक्ति में है, द्वितीय विभक्ति में है माम आवाम असमान, कोष्टक में भी दिया हुआ है लेकिन उससे आसान जो होता है वह सामने में है अगर, हाँ इसलिए उसे ही याद करें।
वह कोष्टक का जो दिया है वह हायर क्लास के लिए है। जब हायर क्लास में होता है नौवां दसवां में तो वे लोग इसे याद करते हैं। माम आवाम अस्मान, इसके तृतीय विभक्ति में है मया आवाभ्याम अस्माभिः, चतुर्थी विभक्ति में है मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। उच्चारण पर ध्यान देंगे, कहेंगे मह्यम, हय संयुक्त है मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, असम संयुक्त भय संयुक्त म अस्मभ्यम। इसके बाद है पंचमी विभक्ति में है मत आवाभ्याम अस्मत्, षष्ठी विभक्ति में मम आवयोः अस्माकम् और सप्तमी विभक्ति में मई आवयोः अस्मासु। तो यह है अस्मत् शब्द रूप, अहम आवाम वयम प्रथमा विभक्ति, माम आवाम अस्मान द्वितीय विभक्ति, मया आवाभ्याम अस्माभिः तृतीय विभक्ति, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्याम चतुर्थी विभक्ति में आता है यह, मत आवाभ्याम अस्मत् यह पंचमी विभक्ति में आता है, मम आवयोः अस्माकम् यह षष्ठी विभक्ति में है और मई आवयोः अस्मासु सप्तमी विभक्ति में। इसके बाद है मध्यम पुरुष का शब्द, यानी सुनने वाला, वक्ता द्वारा कही गई बात को सुनने वाला श्रोता मध्यम पुरुष में आता है और जिसके लिए हम लोग शब्द का प्रयोग करते थे सर्वनाम, सर्वनाम में त्वम तम युवाम युयम, वही शब्द यहाँ पर युष्मत् शब्द रूप का पहला रूप है यानी प्रथमा विभक्ति। तो कहते हैं त्वम युवाम युयम प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में होता है त्वाम युवाम युष्मान, थोड़ा अंतर है यहाँ पर, जो दंत स्व है वह यहाँ मूर्धन स्व है, हर एक जगह जहाँ जहाँ दंत स्व है यहाँ पर मूर्धन स्व का प्रयोग किया गया है, बस इतने सा का ही अंतर है, बाकी विभक्तियाँ समान है। यह त्वाम युवाम युयम, द्वितीय विभक्ति में त्वाम युवाम युष्मान, तृतीय विभक्ति में त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, इसके बाद चतुर्थी विभक्ति में तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, इसके बाद पंचमी विभक्ति में त्वत युवाभ्याम युष्मत, इसके बाद है षष्ठी विभक्ति में तब युवयोः युष्माकम् और सप्तमी विभक्ति में त्वयि युवयोः युष्मासु। तो इसे एक बार पुनः सुनेंगे, यह है इस प्रकार से त्वम युवाम युयम द्वितीय विभक्ति, त्वाम युवाम युष्मान तृतीय विभक्ति, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः चतुर्थी विभक्ति, तुभ्याम युवाभ्याम युष्मभ्याम, इसके बाद है पंचमी विभक्ति त्वत युवाभ्याम युष्मत, फिर षष्ठी विभक्ति में है तब युवयोः युष्माकम् और त्वयि युवयोः युष्मासु। इसके बाद जो रूप होता है वह है जो के लिए, जैसे कि कहते हैं यत का प्रयोग हालांकि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं, लेकिन जब यत से शुरू करना हो, अर्थात कहते हैं कि जो व्यक्ति बोला था तो वह जो का प्रयोग अगर किसी मनुष्य के लिए करते हैं सर्वनाम के रूप में तो वह अलग रूप में होता है, और यहाँ पर यत के स्थान पर यह का प्रचलन है, यानी यह यौ ये, प्रथमा विभक्ति में यह यौ ये, द्वितीय विभक्ति में यम यो यान, तृतीय विभक्ति में येन याभ्याम यह, चतुर्थी विभक्ति में यस्मै याभ्याम येभ्य, पंचमी विभक्ति में यस्मात् याभ्याम येभ्य, षष्ठी विभक्ति में यस्य ययोः येषाम और सप्तमी विभक्ति में यस्मिन् ययोः येषु। पुल्लिंग के लिए जो का प्रयोग जब होगा तो इस प्रकार से होगा, प्रथमा विभक्ति यह यौ ये, द्वितीय विभक्ति यम यो यान, तृतीय विभक्ति येन याभ्याम यह, चतुर्थी विभक्ति यस्मै याभ्याम येभ्य, चतुर्थी विभक्ति के बाद में यस्मै याभ्याम येभ्य के बाद पंचमी विभक्ति में होगा यस्मात् याभ्याम येभ्य, षष्ठी विभक्ति में यस्य ययोः येषाम और सप्तमी विभक्ति में होगा यस्मिन् ययोः येषु। इस प्रकार से इसका रूप बनाएंगे। इसके बाद यत का जो स्त्रीलिंग रूप है, जैसे बाकी सब में था सा में था, उसमें सा की जगह य लग गया है स्व के स्थान पर और त के स्थान पर, बाकी कोई अंतर नहीं है। जैसे यहाँ पर स्व के जगह में य लगा करके किया गया है यह यौ ये, सह तौते के स्थान पर यह यौ ये, वैसे ही इसमें भी स्त्रीलिंग में भी किया गया है, आ की मात्रा लगाई गई है। तो यह है प्रथमा विभक्ति में या ये याह, द्वितीय विभक्ति में याम ये याह, तृतीय विभक्ति यया याभ्याम याभि, यया मतलब जिसके द्वारा, हाँ जिसके द्वारा कहते हैं यया याभ्याम याभि, और यस्य याभ्याम येभ्य जिसके लिए में होता है इसका प्रयोग तीनों वचनों में, यस्य याभ्याम याभ्य
पंचमी विभक्ति यस्याः याभ्याम याभ्यः, षष्ठी विभक्ति यस्याः ययोः यासाम, और सप्तमी विभक्ति में यस्याम ययोः यासु। यह रूप स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग में आता है। इसके बाद जो के लिए जब नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं तो प्रथमा और द्वितीया में समान रूप है, यत ये यानी, यत ये यानी। इसके पश्चात जो रूप है वह यहाँ से आ जाता है तृतीया से सप्तमी तक, येन याभ्याम यह, यस्मय याभ्याम ये भ्य, यस्मात् याभ्याम ये भ्य, यस्य ययो येषाम, और यस्मिन ययो येषु। तो नपुंसक लिंग का भी रूप यह पूरा हो जाता है। शब्द रूप में संधि के कारण से कुछ परिवर्तन होता है, और थोड़ा परिवर्तन होने के कारण से यह थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न हो जाता है। सर्वनाम शब्दों के संबोधन रूप नहीं होते हैं, जो मैंने पहले बताया उसमें संबोधन रूप नहीं होता है, कभी भी नहीं लगाया जाता है। एक वचन वचन के शब्द रूप के साथ एक वचन, द्विवचन के शब्द के साथ द्विवचन, और बहुवचन के शब्द रूप के साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो सारे वचनों में अलग अलग क्रियाएं होती हैं, तीता हंती सीथा थौ आमी आवा आमा, लट लकार में जैसे आएगा वैसे ही होगा, इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, इष्यसि इष्यतः इष्यत, और इष्यामि इष्यावः इष्यामः। यह सूत्र है, सूत्र के अनुसार से शब्द रूप के में जैसे सेट किया वैसे धातु रूप को सेट करके उसका अभ्यास करना है। इसके बाद कहते हैं जैसे रूप के पहले विभक्ति के अनुसार से फिर वचन के अनुसार से भी याद करना होता है। पहले विभक्ति के अनुसार से वह कौन सी विभक्ति में आ रहा है, पहला रूप जब याद कर लेते हैं तो फिर वचन के अनुसार से याद कर लेते हैं तो आसान होता है। यानी पहला लाइन याद करने के बाद दूसरा और तीसरा लाइन याद करना आसान होता है, क्योंकि बहुत जगह पुनरावृत्ति है और उस कारण से शब्दों का रूप आसान हो जाता है। रूपों के उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। जो उच्चारण हम लोग करते हैं वही लिखते हैं, इसलिए जो मैंने इसमें कहा है उसे ध्यान से सुनेंगे और साथ में बोलेंगे वीडियो के साथ में, और आप खुद से भी पढ़कर याद करने का अभ्यास करेंगे। तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन रूप जो हैं वह एक जैसे होते हैं, इसी तरह षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन रूप भी एक तरह होता है, तथा अधिकतर प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन रूप भी एक तरह के होते हैं। इसलिए यह रूप अगर ध्यान देते हैं तो आसानी से याद हो जाता है। शब्द वर्तनी लिखने के लिए उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए, उच्चारण शुद्ध होगा तभी शब्दों की वर्तनी यानी जो लेखन होता है वह शुद्ध रूप से लिखी जाती है। संस्कृत में सदा से जैसा हिंदी में है वैसा नहीं है। संस्कृत में सदा से तीन लिंग होते हैं, प्रत्येक लिंग के रूप अलग अलग चलते हैं। अंतिम अक्षर समान होने पर जो है लिंगानुसार रूप प्रायः एक जैसा ही चलता है। आ से अंत होने वाला शब्द जो ज़्यादातर है वह आकारांत कहलाता है, तथा आकारांत स्त्रीलिंग का रूप प्रायः एक समान चलता है। री र और स होने पर जहाँ स्वरयुक्त न हलंत आए तो वहाँ पर ण हो जाता है, परंतु अगर पद के अंत में न हलंत है तो अंत में अगर न हलंत है तो वहाँ पर ण नहीं होता है। जैसा द्वितीय विभक्ति में है रामान कहते हैं रामान, वहाँ पर रामान नहीं लिखा जाता है। उस अनुसार से यहाँ पर जिस प्रकार का रूप दिया गया है उसे भरना है, और जो ईकारांत है उसमें मात्राएं जो हैं उसी अनुसार से इसमें सिर्फ मात्राओं को बदलना है, बाकी हरी शब्द मूल रूप से है इसे स्वयं भरेंगे। सखा शब्द है वह सखा शब्द रूप को भरना है, फिर महाराज शब्द रूप है, फिर साधु शब्द रूप है, जो शब्द दिया हुआ है कोष्टक में दिया भी है इसी को चुनकर यहाँ भरना है, इसमें इसी को चुनकर भरना है। हालांकि जब परीक्षाओं में पूछा जाता है तो यह हेल्पिंग बॉक्स नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसे अच्छी तरह से याद करें और उसके अनुसार से उन रूपों को भरें। अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को खुद हल करने का प्रयास करेंगे और इन शब्द रूपों को सुने, वीडियो के दोनों भागों को सुने और शब्द रूप को याद करें। आगामी परीक्षाओं में यह रूप पूछा जाएगा। धन्यवाद।